ओपीडी में जब मैं माता पिता ही पूछते हैं कि बच्चे को जो चश्मे का नंबर है वो लगातार बढ़ क्यों रहा है और चश्मा क्यों लग गया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये मोबाइल तो नहीं देखता है, तो माता पिता यही कहते हैं कि हाँ सर ये मोबाइल बहुत देखता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, आप इसको डांटिए, आप इसको धमकाइए या इंजेक्शन लगा दीजिए इसको। तो मैं उनको इस बात समझाता हूँ कि ये बच्चा मोबाइल खुद तो खरीद के लाया नहीं है, ये हमने ही उसको दिया है, या तो वो अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ कर रहा है, और इसको आदत किसने लगाई है। देखिए बच्चा वही चीज़ करता है, बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रोंग होती है, वो देखता रहता है, और सब देखता किसको है, अपने माता पिता को। अगर हम उसको गोद में लेके उसके सामने आते ही बैठते मोबाइल चलाएंगे तो उसको भी क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें क्या है। कई बार हम उसको गोद में लेके मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के अंदर ऐसे कलर्स इस तरह के होते हैं, जो भी वीडियोज़ आते हैं या कोई गेम होता है, तो छोटे बच्चों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको उसकी एडिक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद कई बार ये होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल का 1.5 साल का, तो वो रो रहा है, खाना में ध्यान नहीं है, तो कई बार मैंने सुना है कि उसको खाना खिलाने के लिए हम सर मोबाइल दे देते हैं, कुछ वीडियो चला दिया, वीडियो जो कार्टून्स होते हैं, कार्टून में स्पेशल ऐसे ब्राइट कलर होते हैं, बच्चे का अट्रैक्शन वहाँ जाता है, तो बच्चे का पूरा ध्यान वहाँ पे हो जाता है, और बच्चे माता पिता उसके पेट में डालते रहते हैं, उसको पता ही नहीं वो कितना खा रहा है, तो उसे ओबेसिटी भी हो जाती है, बच्चा मना नहीं कर पाता है उसको खाना, क्योंकि उसका ध्यान तो वहाँ पे है। दूसरी दिक्कत यह है कि बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्लिंक करना बंद कर देता है, वो ऐसे कॉन्स्टेंट स्टेयर करता रहता है, ब्लिंक नहीं करता है, और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेस आने की वजह से आई की जो आई बोल की एक्चुअल लेंथ है वो बढ़ने लग जाती है, और फिर चश्मे का नंबर आ जाता है, और वो नंबर रुकता भी नहीं, वो स्पीड से बढ़ता रहता है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ है मोबाइल से बच्चे को दूर रखना ही रखना है। अब मान लीजिए कि बच्चे को आदत लग गई है, इसको एक तरह से एडिक्शन माना गया है, और आप इस एडिक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार मैंने ऐसे भी देखा है। अब देखिए बच्चे को एक मोबाइल की इतनी एडिक्शन लग गई है, अगर माता पिता ने उसको मोबाइल देने से मना कर दिया है, तो घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनके पास आते ही वो उनसे मोबाइल मांगेगा, वो प्यार से दे देते हैं। एक बार तो एक दादी माँ ने ऐसी स्टोरी मेरे को बताई कि मैंने कहा कि बच्चे को मोबाइल मत दीजिए मत दीजिए, तो उन्होंने कहा सर हम नहीं देते हैं, पूरे घर के मोबाइल हमने छुपा रखे हैं, लॉक लगा दिए हैं। उस बच्चे को इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि घर के बाहर जाके कोई एक राहगीर जा रहे थे उनके पास, बोले अंकल प्लीज़ मेरे को 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दीजिए। तो ये जो मोबाइल की एडिक्शन है ये ड्रग की एडिक्शन के जैसी ही है, इसको हमें समझना पड़ेगा और बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही उसको रोकना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, बच्चों को खाना खिलाने के बहाने या उसको चुप कराने के बहाने, कि उसका मन लग जाए या खुद फ्री रहने के बहाने मोबाइल मत दीजिए, उसके लिए बहुत डेंजरस होगा। बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, एक तरह का एडिक्शन है, उसको खुद को नहीं पता, वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, आप उसको वो चीज़ मत दीजिए, बच्चों के लिए चीज़ नहीं बनी हुई है। मैं तो ये चाहता हूँ गवर्नमेंट एक रूल बनाए कि 18 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया नहीं जाएगा, चलो स्टडी के लिए आप दे रहे हो, बट कम से कम 5 साल से पहले तो बिल्कुल मत दीजिए। यही आपसे निवेदन है, थैंक यू।